बिजनौर तेजाब से हमला करने के आरोपी को अदालत ने उम्र कैद की सुनाई सजा। हम आपको बताते चलें कि बिजनौर में अदालत में तेजाब से हमला कर नाबालिग लड़की का चेहरा जो झुलसाने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता विनीश चौधरी के अनुसार गांव धुंधली निवासी कपिल कुमार ने 12 फरवरी 2014 को पड़ोस की रहने वाली नाबालिग लड़की के ऊपर रात को सोते समय उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। इसके चलते लड़की का 18% चेहरा झुलस गया था। कपिल कुमार इस लड़की से जबरन अवैध संबंध बनाना चाहता था और जब वह संबंध बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। सभी गवाहों सबूत के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो ओपी वर्मा ने आज कपिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। आज न्यूज चैनल के लिए बिजनौर से रिपोर्टर मोहम्मद शावेज की रिपोर्ट। ये आज मुजरिम पेश हुआ है कोर्ट में, क्या मामला है इसमें और क्या सजा दी? ये 12 फरवरी 2014 की घटना है। रात को 12:30 बजे कपिल नाम का अभियुक्त आया और अपनी पड़ोस की लड़की के ऊपर इसने तेजाब डाल दिया, उससे उसका 18% चेहरा झुलस गया था। ये इसका लगातार पीछा करता था और 2014 से जेल में था। इस पे मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट में और आज इसमें आजीवन कारावास की 326A में इसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये बड़ा गंभीर प्रकृति का अपराध था और जो पीड़िता है उसका पूरा चेहरा झुलस गया था, 18% चेहरा उसका पूरा खराब हो गया था और उसमें आजीवन कारावास की सजा हुई। तो क्या ये जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था? ये हाँ, इसका पीछा करता था और ये जब इससे संबंध बनाने में कामयाब नहीं हुआ तब इसने ये इससे बदला लेने के लिए रात को सोती हुई लड़की के ऊपर, जब ये सो रही थी अपने घर में, इसका पड़ोस में ही घर है, तब इसने लिहाफ खींच के इसके ऊपर तेजाब उलट दिया था और इसकी एक आंख भी खराब हो गई थी। कितने वर्ष की होगी लगभग ये लड़की? ये लड़की नाबालिग थी, लगभग ये 16-17 साल के आसपास इसकी एज थी। पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और उसी में ये सजा हुई है, काफी पुराना केस था। तो क्या ये पहले ही ऐसा हुआ है मामला बिजनौर में? हाँ, बिजनौर में इससे पहले मेरी जो नॉलेज है उसमें ये एसिड अटैक पीड़िताओं को जो सजा हुई है वो मेरे अनुसार ये अभी हुई है, इससे पहले मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले कभी हुई हो तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल में कोई सजा ऐसी नहीं हुई।